नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। Assalamu alaikum. Welcome to Nayi Subha Maths Tutorial for Foundation Course. मैं हूँ अनम तारिक। आज हम इवन और ओड नंबर्स के बारे में जानेंगे। इवन, E-V-E-N, इवन। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स पेयर्स में होते हैं और इसका मतलब बराबर, इवन बराबर। ओड, ओ डबल डी ओड। ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते और जो पेयर में नहीं होते। पेयर यानी कि जोड़ा। पेयर्स क्या होते हैं? आप और आपका एक फ्रेंड, आप दोनों मिलके एक पेयर बन गया। इस तरह यू आर टू फ्रेंड्स, आप एक पेयर हो। आपका एक फ्रेंड है जो आपका पार्टनर है, आप अकेले नहीं हो। तो 2 इज इवन नंबर और 2 के टेबल में आता है। इसके एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारी आईज। वी हैव 2 आईज। आईज आर इन पेयर। आईज हमारी 2 हैं और ये पेयर में हैं, तो आईज इवन नंबर में हैं। ईयर्स, ईयर्स भी 2 हैं, तो ईयर्स भी इवन नंबर में हैं। नोज, आप बताएं नोज इवन नंबर है या ऑड नंबर? वी हैव 1 नोज, सो 1 इज ऑड नंबर। एक जगह पे 3 कैट्स हैं। 2 कैट्स तो एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं, लेकिन थर्ड कैट का तो कोई फ्रेंड ही नहीं। पहली, फर्स्ट एंड सेकंड कैट मिलके एक पेयर बन गई। तो अगर एक पेयर बनने के बाद एक रह जाए तो वो होता है ऑड नंबर, यानी कि 3 इज ऑड नंबर। अगर एक और कैट आ जाए और ये टोटल हो जाए 4, तो 2-2 के पेयर्स हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी अकेला नहीं रहेगा और 4 2 के टेबल में भी आता है। 2 2s are 4, तो 4 एक इवन नंबर है। इसी तरह अगर फिफ्थ कैट कहीं से आ जाए, फिफ्थ कैट तो अकेली है, उसका तो कोई फ्रेंड नहीं, तो 5 इवन नंबर नहीं है, 5 ऑड नंबर है, क्योंकि 5 2 के टेबल में भी नहीं आता। अगर सिक्स्थ कैट आ जाती है तो ये हो जाएंगे 6, फिफ्थ कैट की फ्रेंड आ गई सिक्स्थ कैट और ये भी एक पेयर बन गया और 6 2 के टेबल में आता है। 2 3s are 6, सो 6 इज इवन नंबर। चलें अब हम देखते हैं कि इवन नंबर्स कौन से हैं और ऑड नंबर्स कौन से हैं। इवन नंबर्स आर 2 4 6 8 10 एंड ऑड नंबर्स आर 1 3 5 7 9। जो अल्टरनेट नंबर्स हैं वो इवन या ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, यानी कि 1 इज ऑड, 2 डेफिनेटली इवन। 2 एक पेयर है इसलिए 2 इवन नंबर। 2 के बाद है 3, क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है, तो डेफिनेटली 3 इज ऑड नंबर। 3 के बाद क्या है? 4 इवन नंबर। 5 ऑड नंबर। 6 इवन नंबर। 7 ऑड नंबर। 8 इवन नंबर। 9 ऑड नंबर। 10 इवन नंबर। अब 10 से जो भी नंबर ज्यादा होगा उसको हम किस तरह से देखेंगे कि वो ऑड है या इवन? या तो हम 2 के टेबल को देखेंगे कि वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर आता है तो वो है इवन नंबर और अगर 2 के टेबल में नहीं आता तो वो है ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल,
21 even number hai ya odd? To hum jo last digit hai usko dekhenge ki ye number kis digit pe end ho raha hai. Last digit 21 ka hai 1. To 1 kya tha? Odd number. To 21 kya hai? Odd. Isi tarha 32. 32 mein last digit hai 2. Ye kya hai? Even number. So 32 is even number. Isi tarha 101 odd number. 1003 odd number. 110 even number. To ye hote hain even and odd numbers. Mujhe umeed hai aapko samajh mein aaya hoga. Milte hain next lesson mein. Tab tak ke liye Allah Hafiz. Ye malumati mawad Nayi Subah ki janib se pesh kiya gaya. Apni aara ke izhar ke liye comment कीजिए या description में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए.